नख मदूनस नसलम अला रसूल हिल करीम अम्माबाद फ़ाउज़ बल्लाशन बसमिल्लर मेरे मुआजत सामकम वरम् वर्कू मैं अपने रब का इनाज से यह दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले रब कानाज सब को सेहत तंदरुस्व और लम्बी ज़िंदियाँ आता फ़रमाए हम सब की हर मुश्किलों परेशानियों तंग तंगदस्तियों में मेरा रब का हमारी मदद अता फरमाए हमें ज़हनी रूहानी जिस्मानी अजियत और तकलीफ़ों बीमारियों से निजात अता फरमाए हमें जहनी और रूहानी सुकून अता फरमाए हमें बीमारे दुनिया से बचा कर बीमार मदीना बनाए और जो हम सब के हकों में बेहतर है मेरा रब का हमें वो अता फरमाए और जो हमारे हकों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राजी रहने वाला बना दे आमेन सुमीन आज मैं अपने रब कायन के असमानलहसन या मुताली या मुताली का वजीफ़ा आप लोगों को बताऊँगी अहल तहक़ीक फरमाते हैं कि इस इसम को कसारी से पढ़ना चाहिए खल्के खुदा में ख़ुद को हकीर से हक़ीर समझें ताकि रब कायन आपको बहुत ज़्यादा बुलंद मरतब अता फ़रमाए और गैब से हर काम अंजाम फरमाए अगर कोई औरत बाद फरागत हज़ुल फास में इसम की बरकत तलावत इसम की बरकत तलावत करे तो जुमला अफात से महफूज रहेगी शेख बुनी रहाम फरमाते हैं इस इसम का जिक्र करने वाला जिक्र करे करता रहे और किसी भी बादशाह किसी किसीदेदार किसी अफसर के पास कोई भी मसला कोई भी काम लेकर उसके पास जाए तो वो आपके साथ इस इसम का विद करने वाले के साथ इज़्ज़त से पेश आएगा और जो भी आप हाजत उसके पास लेकर जाएंगे तो उसकी अगर पहुंच में होगा तो वो फौरन उसको पूरी करेगा अल्लाह रब कायनात ने अपने इसमों में कितनी बरकतें और रहमतें रखी हैं अगर हम रब कायनात के किसी भी इसम का किसी भी काम किसी भी मकसद के लिए कोई भी वजीफ़ा करते हैं तो रब कायन से ये दुआ करते हैं कि वो अपने महबूब का महबूब के घर का हमें फैज़ अता फरमाए और हमारे इन वजीफ़ों को कबूल मंजूर अता फ़रमा के हमारी उन मुश्किलों परेशानियों को दूर अता फ़रमाए आमीन सुब